बिलोंग टू मीर आजाद कश्मीर मुझे ऐसा दो साल से रोज कम्प्लेक्स में एज ए पी डी आई और स्पोर्ट ड्यूटी सर इंजाम दे रही है। हम बच्चों की तमाम फिजिकल एक्टिविटी और तमाम गेम्स फुटबॉल हॉकी क्रिकेट और वॉलीबॉल ये हमारी बेसिकल बच्चों की रेगुलर गेम्स जा रही है। बच्चों में तकरीबन 99% बच्चे जो हैं वो क्या अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इंटरेस्ट दिलचस्पी ले रहे हैं और कहते हैं हमारे पास क्रिकेट की 3-4 ट्रॉफी क्रिकेट भी पहले मौजूद है और एक फुटबॉल कम देता है। इदारा इसका नाम हमने रखा हुआ है आगोश आर्फन केयर होम। होम का मतलब घर है जी। और ये डॉक्टर साहब ने स्पेशल नाम चूज किया था इस वजह से कि बच्चों में यतीम खाने वाला लफ्ज़ वो लाइक करते ही नहीं है, इस वजह से कि बच्चों के वो माइंड में घर वाली चीज़ें बैठें। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जब यहाँ पे आते हैं तो हम उनको सारा ऐसा माहौल देते हैं जो उनके घर में होता है। सेम वही रूटीन में वालदा उठाती है सुबह इस तरह घर में बच्चों को, हम यहाँ पे उसी तरह इनको उठाते हैं, नमाज़ पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर स्कूल की तैयारी करवाते हैं, नाश्ता करवाते हैं। मेरा नाम जैनुलाबदीन है। हाँ जी। मैं 7th क्लास से और मैं बड़े होकर एयरफोर्स में एयरफोर्स में जाना चाहता। तालियां। आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं? 2 साल से। अच्छा, और आपको यहाँ पे कौन मिलने आता है? मुझे यहाँ पे मेरी फूफा मिलती है। मेरा नाम वकील है, मैं अफगानिस्तान से आया हूँ और मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आया हूँ तालीम हासिल करने। अच्छा। हम यूनिवर्सिटी में हमारे कज़न पढ़ते हैं, वो कभी कभार मिल जाते हैं। अच्छा, और आप पढ़ाई में किस तरह के हैं? पढ़ाई में अच्छे बच्चे हैं पढ़ने वाले? पढ़ाई में अच्छे हैं। मेरा नाम गुरदेश है, मैं क्लास 4 से हूँ, मैं गुजरावाल रहता हूँ। मैं यहाँ पे तालीम हासिल करने आया हूँ। मेरा नाम मोहम्मद रजा है, मैं 3 क्लास में हूँ। हाँ जी। मैं बड़े होके आर्मी बनना चाहता हूँ। आर्मी, वेरी गुड। आर्मी में कहाँ पर जाएंगे आप? जहाज उड़ाएंगे या दुश्मन को मारेंगे? दुश्मन को। वेरी गुड। और आप क्या खेलते हैं यहाँ पे फारिग टाइम में? मेरा नाम अली हुसैन है, मैं कसूर से आया हूँ। कसूर से? 4th क्लास से हूँ। हम तालीम हासिल करने आए हैं तो खेल के टाइम हम खेलते हैं। मेरा नाम अली हुसैन है, मैं पंजाब में पढ़ता हूँ। मैं पेशावर से आया हूँ, मैं इधर तालीम हासिल करने के लिए आया हूँ। रात में पढ़ता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ और मैं डेक्सनल खान से आया हूँ। मेरा नाम रेहान अली है, मैं क्लास 12 में पढ़ता हूँ। मैं फैसलाबाद से आया हूँ। मैं बड़ा होकर स्पेस साइंटिस्ट। वेरी गुड। सुबह हम लोग जब अजान आती है उस टाइम हम लोग उठते हैं, वजू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद आके तैयार होते हैं यूनिफॉर्म के लिए, उसके बाद खाना खाते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? सादिक सईद। सादिक सईद, आप कौन से इलाके से हैं? शेखपुरा से। आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं?
2010. आपको 6 साल हो गए हैं, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7. 7 क्लास में, पढ़ाई में अच्छे हैं ना आप? सर आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम फयाज भाई। आप यहाँ पे कितने साल से रह रहे हैं? यहाँ पे मुझे 9 साल। 9 साल हो गए। आप यहाँ पे फर्स्ट स्टूडेंट थे आप यहाँ पे? जी फर्स्ट स्टूडेंट। अब आप यानी कि यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं? जी मैं अब साल कर रहा हूँ फोर्थ में। कौन से सब्जेक्ट में? फिजिक्स। आगे जाके फर्स्ट प्लानिंग मेरी जो है वो आर्मी ऑफिसर्स की है। हाँ जी। और जो सेकंड बैकअप चांस होगा वो गवर्नमेंट टीचर प्रोफेसर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। हमारे हर बच्चे के पास एक बैड एक कवर्ड, हर बच्चे के पास है। जितने हमारे होश में बच्चे हैं हर बच्चे के पास कवर्ड भी होगी और बैड भी है। जो चीज़ इनके घर में मैसर नहीं उसको घर से ज़्यादा चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड हो रही है। इनको खाने के लिए, इनको स्कूल में यूनिफॉर्म, बुक्स और अस्तर, इनकी पॉकेट मनी भी इनको यहाँ पर हर हफ्ते में। सौ बेटा कितने मिले आपको पॉकेट मनी? 100 रुपीज़ इनको पॉकेट मनी मिल रही है एक हफ्ते के लिए। जी मेरा नाम शकील अहमद है सर, मैं से चार्ज है होश। कोशिश की जाती है, कोशिश की जाती है बच्चे जो घर से बहुत दूर होते हैं तो उनको वो चीज़ सारी प्रोवाइड हो जाए जो माएँ प्रोवाइड करते हैं, उसी तरह केयर टेकिंग की जाती है, उसी तरह इनका ख्याल रखा जाता है। बच्चों के लिए इंडोर कम्प्लेक्स है, यहाँ पे बच्चे अपने फारिग टाइम में खेलने के लिए आते हैं और आइए हम आपसे बात भी कराते हैं। आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे इंजॉय भी कर सकते हैं इजीली। ये बच्चे, इसका नाम है आपको यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में आगे कैसा लगता है? मुझे इस कॉम्प्लेक्स में आके घर जैसा महसूस होता है, ऐसा लगता है जैसे ये मेरा घर है। और आप यहाँ पे कौन कौन सी गेम खेलते हैं? सर बच्चों को जो डोनेशन आती है ना हमारी बाहर से, यूनाइटेड किंगडम से या यूरोपीय किसी मुल्क से भी, वो हमारी डायरेक्ट मरकज में आती है। तो वो जो डोनर होते हैं ना, वो एक बच्चा एक डोनर के नाम के ऊपर होता है। एक पर करें आप है, आप कहते हैं कि मेरे पास पैसा, मैं कहाँ पे लगाऊँ? अडॉप्ट किया, अडॉप्ट करते हैं वो पैसा कितना फर्ज करें। एक बच्चे की आपने जिम्मेदारी है कि मैंने इसको प्रेप से लेकर लास्ट ग्रेजुएशन तक मैंने इसकी जिम्मेदारी है, तो वो पैसा जितना मिलता है वो आपने भेजना है मरकज में। बच्चा तालीम का जितने अखराजा हो उसी के जिम्मे पे आते हैं और हर साल अपडेट उनको रिजल्ट हर चीज़ की जो है अवेलेबिलिटी उसको अपडेट करते रहते हैं। मैम आपका नाम क्या है? सिद्रा। सिद्रा, आप कितने साल से यहाँ पे? 10 साल। 10 साल हो गए जी। और आपको इनके कितने होते हैं बच्चे एक रूम में? 10 बच्चे। 10 बच्चे होते हैं। आप इनके बच्चों को क्या क्या करवाती हैं? इनको मुख्तलिफ खाने बनाए जाते हैं, वो देते हैं, बाहर से भी आ जाते हैं, हम खुद भी बनाते हैं। इनके आपकी जिम्मेदारियों में क्या क्या शामिल है? सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, फिर नमाज के लिए भेजना, ट्यूशन के लिए भेजना, स्कूल के लिए, इस तरह जैसे सारे काम जो एक माँ करती है वो आप करते हैं जी? बिल्कुल वही, वैसे ही माहौल है जैसे आप लोग घरों में, बच्चे छोटे मोटे लड़ाई झगड़े करते हैं, ये भी करते हैं। बिल्कुल। और आप यहाँ पे क्या क्या मुश्किल पेश आती हैं बच्चों के साथ डील करने में? वो ये जैसे मुख्तलिफ बच्चे होते हैं जिद्दी होते हैं, डील करने के लिए थोड़ा सी मुश्किल तो आती है लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। शुक्रिया। और आप कुछ कहना चाहें इस बारे? बस ये कि अल्लाह ताला इनको नेक बनाए और ये पढ़ लिख जाए, हमारी यही ख्वाहिश है। आपका नाम क्या है? अब्दुल रहीम। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? वन क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा, और आप कुछ सुनाएंगे हमें, कोई पोएम वगैरह सुनाएंगे? कुछ भी सुना दो, कुछ भी सुना दो। आपका नाम क्या है? सलमान। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? टू क्लास में। और आप कब से यहाँ पर रह रहे हैं? मुझे डिस्पेंसरी पर शिफ्ट करने का मौका मिला है, वो है पाकिस्तान कैप्टन।
पत्तों की गोद में आसमां से कूद अंगड़ाई ले करवट बदल कर नाजुक से मोती हंस भी फिसल कर खो न जाइए तारे जमीन पर चालू मियां कांगे थे सब जुई की टोकरी में सो रहे थे बैगन हमारी दो पड़े थे हंस पड़े थे उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे खो न जाइए तारे जमीन पर और मिलियां में मीठा सा सपना और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई जैसे रंगों भरी पिचकारी जैसे तितलियां फूलों की क्यारी जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई ये तो आशा की लहर है खुशियों की नहर है खो न जाइए तारे जमीन